आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ नया बनाने जा रही हूँ, समथिंग डिफरेंट। तो ये जो है मूंग दाल से बना हुआ है। ये एक्चुअली ऑलरेडी मैंने रेडी कर दिया था, फिर मैंने सोचा कि इसका शूटिंग कर लेते हैं, जो अभी तक किसी ने डाला भी नहीं होगा मुझे लगता है। बनाएंगे यानी पकौड़े तलेंगे और उसको हम करी बनाएंगे, उस करी में डाल देंगे, जैसे आप बोल सकते हैं कि मूंग दाल के कोफ्ते। इसमें से थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि हमने जो घर में पालक पड़ा हुआ था तो उसको ऐड कर लिया है, थोड़ा सा प्याज काट के डाल दिया है, और न्यूट्रिशन वैल्यू देखेंगे तो पालक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से हम हमारे रोज़ के खाने में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे नहीं खाते हैं तो हम ये सब चीज़ें बना के बच्चों को भी दे सकते हैं। यहाँ जो ये पालक रखा हुआ है, इसको बहुत अच्छे से धो के रखा हुआ है, और इसे कम से कम 10 मिनट पानी में भिगो के रखा था, नमक के पानी में, और इसे बाद में बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। अब ये जो पालक है, इसमें से मैंने 3 से 4 पालक लेकर इस बैटर में, जो ये इससे हम भजिया तलने वाले हैं, उसमें काट के ऑलरेडी डाल लिया है। और जब ये जो मूंग दाल के बारे में बता देती हूँ, ये एक कटोरी जो मूंग दाल ली हुई थी, और उसे कम से कम जो है 2 घंटा हमें भिगो के रखना है। मूंग दाल बहुत है, इसे ज़्यादा देर भिगो के रखने की, और फिर इसे ग्राइंडर में इसे पीस लिया है। शुरू में कोशिश कर रहे थे कि बिना पानी के पीसे, लेकिन वो इस जार में मतलब हो नहीं रहा था, तो इससे थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी ऑलरेडी इसे मैंने इसे थोड़ा सा हाई कर लिया है, पानी थोड़ा निकल जाए इस तरीके से। और मूंग की दाल में इसमें हमने डाला था जो है सिर्फ 5 से 6 लहसुन की कलियां डाली है, और मूंग दाल डाला हुआ था। अब जब ये पीस चुका है तो उसके हिसाब से जो बैटर अभी रेडी हो चुका है, इसमें हमने हींग डाला है करीबन 1/2 छोटा चम्मच, और 1/2 छोटा चम्मच है वैसे ही जीरा डाला है, नमक स्वाद अनुसार डालना है, और ये जो है ये एक छोटा सा प्याज, जिसे इसे छोटे छोटे आकार में, मीडियम आकार में जो है अपनी तरह से आप इसे काट लीजिए। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, और इसके आपके पास घर में बेसन होगा तो आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका ये भजिया आपको तलने नहीं हो रहा है तो। चलिए गैस पर कढ़ाई रख दी है और तेल गर्म हो चुका है ऑलरेडी। अब इसमें छोटे छोटे पकौड़े डाल लेंगे, आप चाहे तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बार में जितने पकौड़े तल सकेंगे उतने ही तलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5। मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। इस तरह से हम सारे पकौड़े तल कर रेडी कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सारे पकौड़े तलकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर एक खन्नी दस्ते में 6 से 8 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे काट लिया है, और 2 हरी मिर्च ले ली है जिसे मैं काट कर डाल दूँगी। आप चाहे तो हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब इसे मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसी कढ़ाई में हम आगे का करी बना लेंगे। जो ज़्यादा जो तेल था उसे हम निकाल लिए हैं। छोटा प्याज बारीक काट लिया है, छोटा टमाटर बारीक काट लिया है, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, और ये जो बचा हुआ पालक है अब हम इसे कूट लेंगे, क्योंकि ग्राइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पे सडनली पावर कट हो गया है और अब इसे पीसना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब हम थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ करेंगे। अब उसी खन्नी दस्ते में हम पालक को भी अच्छे से क्रश कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, 1 छोटा चम्मच राई डालेंगे, 1 छोटा चम्मच मेथी, ये पक चुका है तो थोड़ा सा हम हींग डाल देंगे। अब कटा हुआ प्याज डाल देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी कूट कर रेडी है, इसमें लहसुन अदरक मिर्ची और ये पालक के पत्ते हैं जिसे अच्छे से कूट लिया है। तो इसे आप देख सकते हैं कि हमने कितना अच्छा अपना रिसोर्स को यूज़ किया हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है नहीं है तो हमें क्या ऑल्टरनेटिव अपनाना चाहिए, और कुकिंग हम नहीं रोके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑलरेडी भून चुका है इसे मैं और ज़्यादा नहीं भूनूंगी, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें हम टमाटर डाल देंगे, और टमाटर भी नरम होने तक हम भूनेंगे।
इसीलिए हम ड्राई मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जो है धनिया पाउडर, टमाटर नरम होने तक हम भूनेंगे और इसे पकाने के लिए हम ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार हम डालेंगे, अभी डाल देंगे। तो करी में आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना हम नमक डाल देंगे और जितने भी मसाले आपको जो बताए हैं यहाँ पर वो जो है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं हमारे टेस्ट के हिसाब से। करीबन 2 मिनट हो चुके हैं और टमाटर नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कूटा हुआ मिक्सचर और पालक को भी नरम होने तक हमें भूनना है। फ्लेम रहेगा मीडियम टू हाई। और यहाँ पर मैंने ये चर्नर लिया है और उसकी सहायता से ये मैं मैश कर लूँगी। अगर आपके पास पोटैटो मैशर होगा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मैश नहीं करना चाहते हैं तो आप एज़ इट इज़ भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है जब सारे वेजिटेबल्स मुंह में आते हैं, तो इट्स योर चॉइस, आप देख लीजिए। इसे मैं मैश करना प्रेफर करूँगी क्योंकि ये मेरा बेटा भी खाने वाला है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल देखते ही वो बना कर देता है खाने से, तो मुझे हमेशा आइडिया लगाना पड़ता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि वो खाए। आज तो मैं इसे ग्राइंड नहीं कर पाई बट इसे मैं मैश कर लेती हूँ। और अब हम इसमें 3 छोटे ग्लास पानी डाल देंगे। ये देखिए हमारी जो करी है ये उबलने लग गई है। अब हम इसमें पकोड़े डाल देंगे। अब बस इसे 1 से 2 मिनट हम और रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। देख सकते हैं ये ऑलरेडी रेडी हो चुका है। मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और खाने में इतना ही डिलीशियस। मेरे मम्मी और डैडी जो है कोफ्ता ट्राई कर रहे हैं और बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा कोफ्ता। और मेरी मम्मी भी खा रही है कोफ्ता राइस के साथ, बहुत टेस्टी है। और हमने साथ में ही बनाया है तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा कोफ्ता।